بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will talk about our lecture number 2, that is the laser and measurements. And our course is atomic and nuclear physics lab course. PHY512 is the code. MSc Physics semester 2nd, spring 2020. And I am the Mohammad Ishanjik, lecturer in the physics department of physics, GC University, Faisalabad. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. सो दिस इज आवर आउटलाइन ऑफ आवर टॉक एंड वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज लेजर एंड व्हाट आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द लेजर, हाउ द साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप आवर प्रेजेंट एरा ऑफ द लेजर टेक्नोलॉजी, द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट लेजर एंड द बेसिक terminologies and the basic physical phenomena behind this, just like we have first of all the light amplification which is associated with the population version. उसके बाद हम stimulated emission की बात करेंगे कि किस तरह से जो stimulated emission जो है वो बहुत ज़रूरी है laser lasing action के लिए. After that हम light oscillator के ऊपर बात करेंगे जो lasers हैं वो बेसिकली ऑप्टिकल ऑसिलेटर या लाइट ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र के ऊपर बात करेंगे, गैस लेज़र्स, डाई लेज़र्स, सॉलिड लेज़र्स एंड आफ्टर दैट मेजरमेंट्स बाय द लेज़र्स और एट द एंड वो टॉपिक्स जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे. तो ये हमारी आज के लेक्चर की यू कैन से द आउटलाइन है और हम स्टेप बाई स्टेप इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एवरीबडी नो, हर कोई जानता है जी लेज़र जो है दैट इज लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. इफ यू टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस वे, तो आप देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वन. वी हैव लाइट एम्पलीफिकेशन, वी हैव स्टिमुलेटेड एमिशन एंड वी हैव रेडिएशन. तो इसका मतलब ये है कि जी हमने लेज़र्स के अंदर एक ऐसी डिवाइस को बनाना है जिसके अंदर लाइट एम्पलीफिकेशन भी कराई जा सकती हो, किसके ज़रिए से, स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए से और वो रेडिएशन के साथ ये प्ले करते हैं. तो इसका मतलब हमारे इस लेज़र सिस्टम के अंदर जो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द लाइट एम्पलीफिकेशन, आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज द स्टिमुलेटेड एमिशन एंड द थर्ड वन इज द ऑप्टिकल ऑसिलेटर्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों जरूरी है. जो सबसे पहला हिस्सा है वो है लाइट एम्पलीफिकेशन का. ये चीज़ जो हमें रिक्वायर है वो किस तरह से हासिल की जा सकती है लेज़र सिस्टम के अंदर, वो दो तरीके हैं जिसके ऊपर ये हासिल कर सकते हैं. पहला मेथड है जी पॉपुलेशन इन्वर्जन और दूसरा जो तरीका है वो है जी एक्टिव मटेरियल का. एम्पलीफिकेशन जो है इसका मतलब हमें गेन मिलेगा. एम्पलीफिकेशन स्टैंड फॉर दी टू हैव समथिंग इनपुट विच इज़ ग्रेटर दैन समथिंग आउटपुट विच इज़ ग्रेटर दैन द इनपुट. मतलब आउटपुट के लिहाज से, इनपुट के लिहाज से हमारी आउटपुट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए. सो एक्टिव मटेरियल होना चाहिए हमारे पास. दूसरा जो है उसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन होनी चाहिए. इसी तरह से जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो भी हमें दो तरह की मेन चीज़ें प्रोवाइड करती है, दैट इज़ द गाइडेड मिशन, हमें गाइडेड मिशन के बारे में बताएगी एंड सेकेंडली वो हमें बताती है कोहेरेंट सोर्स के बारे में कि एक तो हमें ये गाइडेड मिशन देती है जिसके अंदर हमारे जो फोटॉन्स निकलते हैं वो गाइडेड होते हैं, दूसरा जो है वो सारे के सारे फोटॉन्स आपस में इन फेज होते हैं जिसको हम कोहेरेंट कहते हैं. इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. एंड द थर्ड वन इज़ द ऑप्टिकल ऑसिलेटर्स, और ये कैसे किया जा सकता है तो इसके लिए हम आमतौर पे कैविटीज़ बनाते हैं और उन कैविटीज़ को हम डिफरेंट तरीक़ों से रिफ्लेक्टर्स के ज़रिए से बनाया जाता है, और इसी तरह हम लाइट को भी रिफ्लेक्टर के ज़रिए से ही बनाने की कोशिश करेंगे. और किसी भी लेज़र सिस्टम के अंदर ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो अगर हमें मिल जाए तो हम उस हिसाब से एक अपने लेज़र सिस्टम को बना सकते हैं, और जैसा कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एक हमारे पास लाइट सोर्स और भी मौजूद हैं
तो क्या ऐसी रीजन है कि हम लेजर्स की तरफ मुतवज्जो हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी लाइट? तो इसका एक छोटा सा मुवाजना है आपके सामने, जरा देखिएगा। हम हर बंदे को सबसे जो इजीएस्ट वे लगता है वो है लाइट बल्ब के जरिए से। हम इनकैंडेसेंट बल्ब है जी, थर्मल एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से हमारे पास लाइट निकलती है इन बल्ब के जरिए से, और जिसका मुवाजना हम लेजर के साथ करना चाहते हैं। जो लेजर जो है बजाते लाइट बल्ब के एक पेचीदा सिस्टम है जिसके अंदर से हमें लाइट मिलती है। तो इस पेचीदगी का हमें क्या फायदा है, जो जबकि हमारे पास एक बल्ब लगाना और उससे लाइट हासिल करना बहुत आसान है। नहीं जी, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जी आम जो लाइट बल्ब हैं या इनकैंडेसेंट बल्ब हैं उनके अंदर जो इमिटेड वेवलेंथ या इमिनेंट रोशनियाँ जो होती हैं, वो जो रेडिएशन है उनके अंदर जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट तरह की होती है और वो मैनी वेवलेंथ हो सकती हैं। जबकि जो लेजर्स हैं उनके अंदर आपके पास जो लाइट आती है वो सिर्फ एक सिंगल कलर की होती है, सो इट इज़ अ मोनोक्रोमेटिक। द सेकेंड थिंग इज दी, ये लाइट जो आम बल्ब से निकलती है, ये आम लाइट होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, मीन टू से इट कुड बी इन एनी डायरेक्शन, बट फॉर द केस ऑफ लेजर्स वी हैव यूनी डायरेक्शनल लाइट। थर्ड वन इज दैट दीज लाइट्स वेव्स आर दीज फोटोन्स आर टोटली आउट ऑफ फेज टू ईच अदर, यू कैन से इनकोहरेंट है, इनके अंदर फेज सेम नहीं होता। जबकि फॉर द केस ऑफ लेजर वी हैव कोहरेंट फोटोन्स, इन सब का वेव सेम दिखता है। इसी पिक्चर के अंदर आप ये मुआजना कर सकते हैं कि अगर एक लाइट को ये वेव के फॉर्म में कहा जा सकता है तो ये उसका क्रस्ट ट्रफ है, तो ये दूसरी रे का या दूसरी वेव का क्रस्ट और ट्रफ एक जैसा नहीं है और वो उनसे डिफरेंट है, ये रैंडमली प्लेस किए गए हैं। जबकि इस पैटर्न के अंदर हमें एक प्रॉपर फेज डिफरेंस पाया जा रहा है, इन सारे के सारे जो है वो एक ही पाथ, एक ही पैटर्न और एक ही तरीकाकार को फेज को फॉलो कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर द कोहेरेंट। आफ्टर दैट वी हैव सम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द लेजर, एंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द एल्बर्ट आइंस्टाइन, और जिसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था जी स्टिमुलेटेड एमिशन का। आफ्टर दैट डॉन गॉर्डन और जीगर ने प्रिंसिपल ऑफ मेजर बेसव और मैक्रोव ने भी प्रिंसिपल ऑफ मेजर्स के ऊपर बात की थी, फिर टाउन्स ने मिलकर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेजर के बात की। तो यू कैन से दैट जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन का नहीं था, बल्कि दैट वॉज इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ यू कैन से द माइक्रोवेव वेव के लिए किया गया था, और उनकी एम्पलीफिकेशन के बारे में बात की थी। तो ये माइक्रोवेव के लिए काम किया गया था, सबसे पहले आम ऑर्डिनरी लाइट के लिए काम नहीं किया गया था। सो ये माइक्रोवेव्स थी जिनको सबसे पहले हमने मेजर्स के नाम से पढ़ा था, और ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये सबसे पहले काम किया गया था, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम स्पेस को एक्सप्लोर करते थे, तो वहाँ पे हमें मेजर्स का फिनोमेना होता नजर आता था। आफ्टर डैट यही कॉन्सेप्ट टॉन्स ने लेजर्स के लिए अप्लाया, तो थोरेटिकली तो इसने सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट दिया मेमन ने कि लेजर के लिए इसने सबसे पहले थ्योरी टॉन्स ने पेश की। आफ्टर डैट मेमन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया सबसे पहली लेजर को, सॉलिड स्टेट लेजर को, वो रूबी लेजर थी। आफ्टर डैट जैवन और बेनेट एंड हैरट ने हीलियम नियॉन लेजर एंड सो ऑन। सो ये जो आपके पास सफ़र है ये साथ साथ बढ़ता गया है और डेवलपमेंट होती गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट तरह की लेजर, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स वगैरह को इस्तेमाल किया गया है। फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर जिसे प्लाज्मा लेजर भी कहा जा सकता है वो भी है। वी हैव ऑल्सो हैव एक्सरे लेजर, इनको भी इस्तेमाल किया गया है, मैथ्यू वगैरह ने इन पे भी काम किया था। आफ्टर दैट वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट दैट, हम इन सारी चीज़ों को पढ़े जो इसके बेसिक्स एलिमेंट हैं, मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है, इसी तरह से स्टिमुलेटेड मिशन क्या है, इसी तरह से हमारे पास दूसरी स्कीम और दूसरी टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द प्रोसेस इन अचीविंग इट्स पॉपुलेशन ऑफ हायर रजिस्टर्ड एज कम्पेयर टू द लोअर रजिस्टर्ड। मिसाल के तौर पर वो ये कहना चाहते हैं कि आम तौर पर हमारे पास जो है ये हमारे पास एटम या इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी सिस्टम में मौजूद हैं, और ये उनकी लोअर एनर्जी स्टेट है,
ये उससे हायर एंड रजिस्ट्रेट है और ये सबसे हायर एंड रजिस्ट्रेट है। आमतौर पे जो तरीका का डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है कि आमतौर पे हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन या एटम कम होते हैं, उसके बाद उनसे ज़्यादा एनर्जी वाले, फिर सबसे कम एनर्जी वाले एटम्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है और ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड दी थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक यू कैन से कि एक एक्सपोनेंशियल डिके को फॉलो कर रहा होता है, हाई एनर्जी के ऊपर थोड़े, उससे कम पे ज़्यादा और सबसे कम एनर्जी पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यू कैन से के पार्टिकल्स या फिर आपके पास एटम या फिर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जबकि पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने हाई एनर्जी वाले स्टेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम्स को मैक्सिमम लेके आना है और फिर हम इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कर सकते हैं। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फिर इस टेक्निक्स के साथ ये कॉन्सेप्ट है जी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी स्टेट में लेके आए। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और जब वो एक साथ डी एक्साइट होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है एम्पलीफिकेशन करने का, जिसके बारे में हमारे पास ऊपर बताया गया है। इस तरीका कार को देखने के लिए हम इस लिहाज से भी स्टडी किया जा सकता है इसको कि किस तरह से हम इसको लेकर चल सकते हैं। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके ऊपर बात करते हैं कि हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्कीम्स और डिस्ट्रीब्यूशन के, ये वो लॉ है जिसके ऊपर हम पहले बात कर रहे थे, जिसे हम बोल्ट्समैन लॉ भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड है, एंड ये आईथ स्टेट स्टेट है, एंड दिस इज द बोल्ट्समैन लॉ, एंड दिस लॉ स्टेट दैट किसी भी आईथ स्टेट जो होती है वो ग्राउंड स्टेट का थर्मल एनर्जी के हिसाब से डिफरेंस के मुताबिक होगी। सो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन क्या होती जा रही है जी, कम होती जा रही है। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि दिस इज द नॉर्मल पॉपुलेशन एंड द लोअर वन जो है वो आपके पास क्या आ रही, दिस इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। आप देख सकते हैं ये इस कर्व को फॉलो कर रहा है, जबकि ये बोल्ट्जमैन लॉ की जो कर्व है ये वाली एन टू पॉपुलेशन को फॉलो नहीं करती। तो यू कैन से दिस इज नॉन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है किसके दरमियान, ये ई वन और ई टू के दरमियान है। इसके अंदर हमारे पास ई वन पे ज़्यादा होने चाहिए थे पॉपुलेशन और ई टू में कम होने चाहिए थे, और ये काम क्या हो चुका हुआ जी, उल्ट हो चुका हुआ है। तो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट इन्वर्जन। एंड ये किन के दरमियान है, पॉपुलेशन ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, दैट वाई इट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है और किस तरह से इसके ऊपर हम बात इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन या एटम, हम तो इस मौजूदा स्लाइड के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है तो ये लोअर स्टेट से अपर स्टेट में चला जाता है, बशर्त ये कि एनर्जी जो हमने दी है उसका जो डिफरेंस है इन द फॉर्म ऑफ उसकी एनर्जी गैप के बराबर हो, तो ये इजीली जंप कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंस इसके बराबर नहीं है तो वो कभी भी जंप नहीं करेगा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन उसी तरह से ऑसिलेट करते हुए उस एनर्जी को खारिज कर देगा और उनके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। हमारे पास देखा जा सकता है कि कितनी तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं अगर ये आने वाली एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करती है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। आफ्टर दैट वी हैव अ पॉसिबिलिटी दैट कि ये इलेक्ट्रॉन अपने कुछ टाइम को पूरा करे जो अपनी हायर स्टेट में जा रहा है, और उसके बाद ये खुद को अपने आप ही डी एक्साइट कर दे। इसकी एक रीज़न ये भी है कि ड्यू टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट कैन रिजाइड फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ द टाइम, जो इसका है 10^-2 यू कैन से -8 सेकेंड, जिसे हम 10 नैनो सेकेंड भी कहते हैं उस टाइम को। तो ये इस दौरान तकरीबन
10 नैनोसेकंड्स के तौर पे रहता है. एट दैट टाइम इट रिजाइड्स हियर फॉर द 10 नैनोसेकंड्स इन दिस स्टेट. आफ्टर दैट इट डीएक्साइड्स इटसेल्फ और ये जो फोटोन है इन द फॉर्म ऑफ एमिशन हो जाता है जी. और इन दिस इज डन ये फोटोन जो है वो मिट होता है. सो ये फोटोन जो इलेक्ट्रॉन है ये डीऑक्साइड होता है जिसके नतीजे के अंदर उतनी एनर्जी का एक फोटोन जो है वो निकल आता है और हम जो है उसी को उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव अनदर पॉसिबिलिटी एंड दैट इज ड्यू टू द स्टिमुलेटेड एमिशन. ये तो स्पॉन्टेनियस एमिशन वो था जिसके अंदर वो खुद ब खुद हो रहा है. बट द आइडिया गिवन बाय द आइंस्टाइन इज दैट इफ वी we send another photon और वो एक ऐसा photon हो जो इस energy difference के बराबर हो और वो इस excited electron को खुद मजबूर करे कि वो ये एक de-excite करे और उस लिहाज से जो आने वाला electron है वो इस तरह से de-excite हो कि जो incident photon के मुताबिक oscillate करते हुए photon जो है वो उनको emit करे. सो इन दिस रिगार्ड जिस फेज का इंसिडेंट फोटोन होगा यू कैन सी दैट द आउटपुट ऑफ द फोटोन इज द सेम एज वी हैव द इनपुट ऑफ द फोटोन. सो इन दिस वे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एमिटेड फोटोन एंड दैट इज द कि ये जिस डायरेक्शन में आया है बाकी फोटोन्स जो हैं उसी डायरेक्शन में निकले हैं. एक्चुअली हुआ क्या है कि ये फोटोन आता है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और वो इसको परटर्ब कर देता है या डिस्टर्ब कर देता है. ये इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से ऑसिलेट करता है जिस तरह से ये फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है. इसकी ऑसिलेशन की वजह से ये डिस्टर्ब होकर डीऑक्साइड होता है जिसके नतीजे के अंदर ये एक फोटोन इमिट करता है उस एनर्जी का जो कि इसकी ऑसिलेशन की वजह से निकल रही है. इन द सेम वे ये जो फोटोन बताते खुद आया था हमने क्योंकि इसको इनपुट फोटोन के तौर पे लिया है तो ये एज इट इज सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके हमें वापस मिल रहा है. सिर्फ हमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा फोटोन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है इट इज ड्यू टू द ओनली रीजन ऑफ दैट कि ये डीऑक्साइडेशन की वजह से आ रहा है. इस डीऑक्साइडेशन और इस डीऑक्साइडेशन में क्या डिफरेंस है मेनली कि ये जो फोटोन है ये अनगाइडेड है और ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है जबकि हम देख सकते हैं कि ये जो फोटोन मिट हो रहे हैं ये आपस में क्या जी गाइडेड भी हैं और डायरेक्शनल भी हैं. सो दैट्स व्हाई द स्टिमुलेटेड एमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ लेजर्स. नाउ वी वांट टू लुक एट दैट व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द पिक्चर एंड दैट इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द लेजर सिस्टम. लेजर सिस्टम के अंदर हम इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू को देखना चाहते हैं कि हम शेल्स के ऊपर कैसे इलेक्ट्रॉन या एटम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं जिसके नतीजे के अंदर हमारे पास लाइट मिट होती है और वो लाइट जो है खास प्रॉपर्टीज रखती है जो आमतौर पर नहीं पाई जाती. हम इसके अंदर तीन तरह के लेजर सिस्टम पढ़ रहे हैं. एक वो लेजर सिस्टम है जो 2 लेवल है, एक वो है जो 3 लेवल लेजर सिस्टम है और एक वो है जो 4 लेवल. मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग इस बारे में कंफ्यूज ना होइएगा कि हम 2 लेवल लेजर से मुराद एक ऐसा सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसके सिर्फ लेवल ही 2 हैं बल्कि हमारे पास ये वो सिस्टम है जिसके अंदर लेजिंग एक्शन जो है वो जितने लेवल्स के अंदर परफॉर्म हो रहा है
हम उस लिहाज से इसको 2 लेवल, 3 लेवल और 4 लेवल लेजर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। 2 लेवल लेजर से मुराद होगा कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ 2 लेवल रिक्वायर है लेजिंग एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। 3 लेवल लेजर सिस्टम ऐसा होगा जिसके अंदर हमारे पास 3 लेवल मिनिमम रिक्वायर होना चाहिए। 4 लेवल लेजर सिस्टम ऐसा होगा जिसके अंदर हमारे पास 4 लेवल रिक्वायर होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द 2 लेवल सिस्टम। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि पॉपुलेशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर N1 इज रिलेटेड टू द लोअर एनर्जी, सो दिस इज द E1, एंड द E2 इज द हायर एनर्जी, सो वी हैव हियर N2 पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं कि N1 की जो पॉपुलेशन है इज मच मच लेस देन ग्रेटर देन N2, सो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल पॉपुलेशन। ये हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन है। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश है कि हमें किसी तरीके से पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इन नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स को अपवर्ड मूव करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम इसके लिए एक फिनोमेना इस्तेमाल पर्टिकुलर इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलरली पंपिंग स्कीम। हम इसके लिए एक पर्टिकुलर पंपिंग स्कीम इस्तेमाल की जाएगी। एक्चुअली व्हाट वी वांट टू डू इज दैट हम इनकी एनर्जी के अंदर इतनी एनर्जी ऐड करना चाहते हैं। तो पंपिंग इज बेसिकली द प्रोवाइडिंग द वे टू एनर्जी टू द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन टू गेट द हायर एनर्जी स्टेट। सो ये पंपिंग जो क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपलिफ्ट करवाने में मदद देगी। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं और फिर डी एक्साइट होते हैं तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं कर पाते। द बेसिक रीजन इज दैट वी हैव नो इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन देम। जब हमारे पास कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होगी तो इट्स मीन वी हैव नो मेटास्टेबल स्टेट, क्योंकि हमें कोई एक दरमियानी रास्ता जरूर चाहिए जहाँ पे हम किसी तरीके से एटम्स को इकट्ठा करना शुरू कर दें, एटम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दें। सो विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ नॉन इंटरमीडिएट और मेटास्टेबल स्टेट। सो दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल इन द 2 लेवल लेजर। सो दिस इज वाई द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नॉट अवेलेबल और नॉट पॉसिबल फॉर द 2 लेवल लेजर। सो इसलिए हम फिर 3 लेवल लेजर की तरफ चलते हैं। और ये 3 लेवल लेजर के सामने हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको ऑरेंज कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जबकि फोटोन जो है वो ब्लू कलर के अंदर है। सो वी हैव डिफरेंट मल्टीपल स्टेप्स फॉर द 3 लेवल लेजर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फोटोन्स लिए हैं जो क्या कर रहे हैं, E1 वाले एटमों को इलेक्ट्रॉन्स को उठा के पंप करके किधर लेके जा रहे हैं जी, E3 लेवल पे लेके जा रहे हैं। सो हमने यहाँ पे कौन सा पंपिंग वाला तरीका कार इख्तियार किया है, दैट इज दी फोटोन। और फोटोन क्या होते हैं जी, लाइट होती है, तो हम इसको आमतौर पे ऑप्टिकल पंपिंग का नाम देते हैं। हम आगे चल के इसकी तरह थोड़ी सी तफसील भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो एनर्जी दी गई है इट्स फॉर दी गिवन बाय द वे ऑफ फोटोन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग। ये अब्सॉर्ब हो जाते हैं जी और ये आपके पास किधर चले जाते हैं जी, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एट द स्टेप नंबर 2, अभी तक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, बट स्टेप नंबर 2 को देखें तो यूं लग रहा है जैसे ये ज्यादा हो गए और नीचे वाले कम हो गए। सो इट बिकम्स जस्ट लाइक अ पॉपुलेशन इन्वर्जन टाइप के, जैसा कि 3 लेवल लेजर के 3 पिक्चर के अंदर दिखाया गया। बट हम ये देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर ऐसा नहीं है कि ये फौरी से किधर जा रहे हों, डाउनवर्ड जा रहे हों, ये ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी दरमियान वाली इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। और ये शिफ्ट होने के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा मटेरियल ऐड किया जाए जो इनको रेडिएशन के जरिए से डिके ना करवाए, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, नॉन रेडिएटिव वे के जरिए से अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं किधर की तरफ, टूवर्ड्स द E2 लेवल। और ये पॉसिबल है ड्यू टू द कोलिजनल प्रोसेस। जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो कुछ अपनी एनर्जी एक दूसरे को शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, हाई इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को साथ कोलाइड करते हुए अपनी एनर्जी को लोअर कर लिया और वो E2 में आ गए।
सो यू कैन सी दैट अब आपके पास E2 और E1 के दरमियान क्या बन गई है, पॉपुलेशन इन्वर्जन बन गई है. और अब पॉसिबिलिटी है कि आपने एक मेटास्टेबल स्टेट भी ऐड कर ली है और पॉपुलेशन इन्वर्जन भी ऐड कर ली है. इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि मेटास्टेबल स्टेट में ऐसा क्या होता है कि जो आम एक्साइटेड स्टेट के अंदर नहीं होता. और वो ये है कि मेटास्टेबल स्टेट के अंदर हमारे जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ट्रांजिशन रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स के मुताबिक जब कोई एटम, जब कोई इलेक्ट्रॉन या जब कोई आपका सिस्टम एटॉमिक सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, मीन टू से जस्ट लाइक E2, तो ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते, ट्रांजिशंस नहीं पॉसिबल इनकी. तो इस वजह से इनको ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ से डिके होने में, रिलैक्स होने में. सो दैट्स व्हाई यहाँ तक आते हुए ये आमतौर पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और इसी वजह से इनका जो टाइम हो जाता है वो पिछले वाले टाइम की बजाय थोड़ा रह जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 10^-3 सेकेंड के हिसाब से चलेगा. तो उस वजह से आपके पास जो है हम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं. जैसा कि नेक्स्ट आप इसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये अवेलेबल है. हम इसको रेज कर दूँगा. हाँ जी, सो दिस इज द स्टेप नंबर 4 एंड दिस इज स्टेप नंबर 5 एंड 6. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हमारे पास बताया जा रहा है. स्टेप नंबर 4 के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन तो कर रहे हैं जी स्पॉन्टेनियस एमिशन कर रहे हैं, जबकि हमने कुछ बल्कि 5 के ऊपर हमने क्या किया, खुद से एक फोटोन दिया, और ये वाला जो फोटोन है वो फर्दर वालों को क्या करवा रहे थे, स्टिमुलेटेड एमिशन करवा रहे थे. तो यूं हमने 3-level लेजर के अंदर अपनी पॉपुलेशन इन्वर्जन और मेटास्टेबल स्टेट और स्टिमुलेटेड एमिशन के जरिए से एक लेजर सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं. दिस आइडिया जो ये बता रहे हैं कि 2-level लेजर में जो इंटरमीडिएट स्टेट हमारे पास नहीं मौजूद थी वो 3-level लेजर के अंदर इंटरमीडिएट स्टेट अवेलेबल रहती है, और वही लेजिंग एक्शन का असल तरीका और जरिया बनता है. Similarly, we have 4-level laser system. 4-level laser system के अंदर again we have a pumping, optical pumping. ये excite हो जाते हैं, इसी तरह इनकी population inversion बन जाती है. ये अपने आप को non-radiative way के जरिए से step number 3 के अंदर यूं population inversion करवा लेते हैं, और साथ ही metastable state में आ जाते हैं. metastable state में इसलिए आ जाते हैं कि अब इनके पास असली तौर पे कोई तरीकाकार नहीं है कि direct transition कर लें, क्योंकि अब ये एटॉमिक ट्रांजिशन के रूल की वजह से इनकी ये जो ट्रांजिशन है ये फॉरबिडन हो चुकी है, अलाउड नहीं है. इस वजह से ये ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे स्टे करते हैं, 10^-3 जिसे हम 1 मिली सेकेंड भी कहते हैं उसके मुताबिक ये स्टे कर रहे हैं. फिर अगले स्टेप्स के अंदर अगर हम देखें तो फिर कुछ किसी ना किसी तरीके से जब कोई एक आध इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद डिके हो जाता है तो वो जो निकलने वाला फोटोन है वो इनके साथ इंटरेक्ट करता है और इनको भी डिस्टर्ब करते हुए इनकी सिचुएशन को क्या करने की शुरू कर देता है जी, स्टिमुलेटेड एमिशन करने की शुरू करता है, जिसके नतीजे के अंदर यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन होना शुरू हो जाती है. इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ नॉन रेडिएटिव वे के जरिए से भी एमिशन होना शुरू हो जाती है, और यूँ हमारे पास 4-level सिस्टम काम कर रहे हैं. आफ्टर डैट लेज़र कंपोनेंट्स के ऊपर जाते हैं जी कि अगर हमने एक लेज़र, जैसा कि लेज़र हम बता चुके हैं कि एक डिवाइस है, और अगर हमने इसको बनाना है तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए. तो सबसे पहले तो हमें जी एक्टिव मीडियम चाहिए. उस मीडियम का कोई भी नाम, कोई भी शक्ल और कोई भी यू कैन से स्ट्रक्चर हो सकता है. तो इसलिए हमारे पास जितनी भी तरह के मटेरियल हैं हम उनको ले सकते हैं. मैटर, मैटर हमारे पास कितनी 4 हालतों में ऑलमोस्ट पाया जाता है स्टेट्स के अंदर. तो वी कैन हैव हियर अ सॉलिड, वी कैन हैव हियर अ गैस, वी कैन हैव हियर अ लिक्विड, एंड वी कैन हैव हियर अ प्लाज्मा हियर आल्सो. तो हम हर तरह से उस मटेरियल को और उस स्टेट ऑफ मैटर को ले सकते हैं. व्हाट विल हैपन, हम यहाँ से एक्साइटेशन मैकेनिज्म जिसे हम पंपिंग मैकेनिज्म कह रहे थे वो करवाएंगे, किसी भी तरीके से एनर्जी देंगे, ये एक्साइट हो जाएंगे, और ये एक्साइट होने के बाद कुछ ना कुछ लाइट एमिट करेंगे. वो जो लाइट है वो ग्रीन कलर के अंदर दिखाई गई है, वो लाइट आती है, और इस लाइट को कंट्रोल और इस लाइट को फ्री रनिंग सिस्टम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे हमने यहाँ पे हाई रिफ्लेक्शन वाले मिरर लगाए हुए हैं. हाई रिफ्लेक्शन वाले मिरर क्या करते हैं, इस लाइट के साथ
एक यू कैन से अ फीडबैक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ से लाइट निकलती है, वही लाइट जो यहाँ से निकली है उसी लाइट को हम दोबारा से यूज़ करते हैं और वो पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे यूज़ हो रही है, वो दोबारा से जाके मीडियम को पंप करती है और वो अगेन उस लाइट को जो है वो एमिट करती है, फिर अगेन वो पंप करती है, और ये प्रोसेस जो है वो एक लूप की तरह चलना शुरू हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं जी, ऑसिलेटर कहते हैं। लाइट जो है अब आपके सामने ऑसिलेट कर रही है, तो इसलिए इसको हम ऑप्टिकल ऑसिलेटर कहा जाता है, और ये एक ऑप्टिकल ऑसिलेटर बन गया हुआ है। और ये जो आपके पास मिरर्स हैं, ये बेसिक किरदार अदा कर रहे हैं इनको ऑसिलेट करवाने के लिए, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द ऑप्टिकल रेजोनेटर्स। और ये एक मिरर ऐसा है जो मुकम्मल तौर पे हमने हाईली रिफ्लेक्टेड नहीं बनाया, बल्कि पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, तो कुछ पार्ट ऑफ द लाइट जो इसमें से मिट हो जाता है और वो आपके आउटगोइंग बीम की शक्ल में मिट होता जा रहा है। सो यू कैन से है दिस इज अ बेसिक लेजर सिस्टम, जैसा कि हमने वो बातें स्कीमेटिक व्यू के अंदर की हैं वो भी यहाँ पे की जा सकती हैं, बट इन अ डिफरेंट वर्ड्स, ये पंपिंग मैकेनिज्म है जी, एंड वी हैव स्टिमुलेटेड मिशन, इसके नतीजे के अंदर ये लाइट आउटपुट के तौर पे यूज हो रही है, फिर यही लाइट जो है वो इनपुट के तौर पे यूज की जा रही है एज अ फीडबैक, एंड इट वी गोन हेयर एंड एंड दिस साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड। सो दिस बिकम्स अ यू कैन से ऑसिलेटरी मोशन, हेयर टू एंड फ्रो मोशन हैज बीन स्टार्टेड फॉर द फोटॉन्स, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल ऑसिलेट, और ये आउटपुट लेजर के तौर पे काम होना शुरू हो गया। अगर हम डिफरेंट तरह की लेजर और उसके चार्ट को बनाएं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स को एक पेज पे लेके आए, तो वी हैव मैनी डिफरेंट इंपॉर्टेंट लेजर्स। तो सबसे पहले उनकी टाइप को देखते हैं। एनडीएक लेजर जो है वो सॉलिड के हिसाब से, इट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट लेजर। हीलियम नियॉन लेजर गैस वाली होती है जी। CO2 मॉलिक्यूलर गैस लेजर है, ठीक है। एंड द सेमीकंडक्टर लेजर जो है इट इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर लेजर, और ये सेमीकंडक्टर वाली लेजर। सो इन वाली लेजर के अंदर और बाकी वाली लेजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास डिफरेंस है कि इनके अंदर एक्टिव मीडियम जो है वो डिफरेंट है। इसके अंदर आपके पास यट्रियम एल्यूमिनियम गर्नेट है, इसके अंदर आपके पास जो है दैट इज दी हीलियम एंड नियोन मिक्सचर 10:1 वाला, और इसके अंदर मॉलिक्यूलर जो है CO2 N2 एंड द हीलियम वेटर वाटर वेपर PN जंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक्टिव सेंटर, इसमें से जो एक्टिव लेजिंग एक्शन को हम प्रोड्यूस कर रहा है निडोनियम कर रहा है, इसके अंदर नियॉन प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर CO2 कर रही होती है, और रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स, आप सब लोग जानते हैं कि ये रिकम्बिनेशन होते हैं जो उसके नतीजे के अंदर लाइट निकलती है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी ऑप्टिकल मेथड, पंपिंग मेथड। किस तरीके से हमने एनर्जी दी है सिस्टम को, अगर आप गौर करें तो ये एक बड़ी सिंपल सी डिस्कशन में हम क्लियर कर सकते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो पंपिंग दी जाएगी, जो एनर्जी दी जाएगी सॉलिड्स को, वो हमेशा ऑप्टिक्स की फॉर्म में दी जाएगी, लाइट की फॉर्म में, फ्लैश लैम्प के जरिए से दी जा सकती है, वो हमेशा सॉलिड के लिए होगी। गैसेस के लिए हम आम तौर पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये भी गैस लेजर है और ये भी गैस लेजर है, दोनों के लिए हमने इलेक्ट्रिकल पंपिंग या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड इस्तेमाल किया है, जबकि सेमीकंडक्टर लेजर वगैरह के लिए हमने डायरेक्ट पंपिंग या कोलिजनल मेथड या केमिकल मेथड वगैरह इस्तेमाल किया जा सकते हैं। मैं ये यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो डाई लेजर होती है वो बेसिकली लिक्विड होता है, और लिक्विड जो है आमतौर पर वो डिफरेंट कलर्स जो है वो मिट करता है, तो वो केमिकल रिएक्शंस के जरिए से एनर्जी उनको दी जाती है, और उस लिहाज से हम इसको डायलेजर को हमेशा केमिकल प्रोसेस के जरिए से एनर्जी देते हैं। रही बात ऑप्टिकल रेजोनेटर की, मतलब कौन से रिफ्लेक्टर लगाया जाए जिससे कैविटी बन जाए, तो जरा देखिएगा इसके अंदर तो आपको आम सिल्वर विद सिल्वर टू मिरर्स चाहिए जो कि सिंपल सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर आपको आमतौर पर कनकेव मिरर चाहिए होते हैं, इसके अंदर आपको मेटालिक या गोल्ड या सिलिकॉन के मिरर चाहिए होते हैं, और इसके लिए हमें डायोड्स पॉलिश किए हुए जंक्शन चाहिए होते हैं, तो ये इनके ऑप्टिकल रेजोनेटर्स के रिक्वायरमेंट। इस स्लाइड के ऊपर ये आपके सामने एक छोटी सी एनिमेशन है जिसके अंदर आप ये स्टडी कर लेंगे कि किस तरह से आप एक लेजर की वर्किंग, और तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
किस तरह से और किस तरह से ये देखते हैं कि ये आपके पास एक्टिव और ये ग्रीन है, ये मीडियम है, साइडों के ऊपर हमने फिर लगा सिर्फ और वो हमने पंप करके नॉन लैम्प के पाइप और इससे हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही लैम्प के अंदर से लाइट अब जैसे ही लाइट इसके अंदर एटम के दाखिल होती है और ये इलेक्ट्रॉन जैसे एक साइड टू हायर एनर्जी लेवल दूसरी तरफ आए ये एटम क्या होती है इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है तो ये करेंगे तो ये क्या करेंगे, यू कैन सी वी हैव मैनी एटम्स और ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे आपकी लाइट एंड फोकस ड्यू टू दिस रीजन लाइट जो है वो आउटपुट के फॉर्म में चलना शुरू हो एक सिंपल लेजर लाइट से हो जाती है। द नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है मेजरमेंट्स बाय द लेजर। ये एक सिंपल सी इमेज मैंने गूगल से उठाई है, अमेज़न के ऊपर ये मीटर अवेलेबल है जो क्या कर सकता है, ये एक सिंगल मेजरमेंट सिग्नल सिंगल मेजरमेंट है जिसके अंदर आप कंटिन्यूस मेजरमेंट कर सकते हैं, एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम सेकेंडरी हुक मेजरमेंट्स कर सकते हैं। सो एक सिंपल मीटर से आप बेशुमार चीज़ें कर सकते हैं और ये मीटर लेज़र बेस्ड चलता है जो आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर हम कितनी तरह के मेजरमेंट कर सकते हैं और लेज़र कितनी एडवांस चीज़ें हैं, ये सिर्फ मेजरमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सो हम इससे थिकनेस वगैरह मेजरमेंट्स कर सकते हैं जो रनिंग सिस्टम्स हैं जहाँ पे हम उसको रोक के सिस्टम को नहीं कर सकते, ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ पे आप प्लास्टिक वगैरह या ऐसी चीज़ें या ऐसी इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स जिनको आप अप्रोच नहीं कर सकते बट आप उनको बगैर छुए आप इजीली मेजर कर सकते हैं लेज़र की मदद से। ये हमारे सामने डैम इनकी ये इमेजेस हैं थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए, वॉल्यूम मेजरमेंट करने के लिए, तो वो लेंथ विड्थ एंड हाइट हर चीज़ बता सकते हैं इजीली। लेज़र वाला सिस्टम गैजेट आपको हर चीज़ बता सकता है। मेजरिंग टेक्निक्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, आमतौर पर या तो हम ट्रायंगुलेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं लेज़र के अंदर, ये लेज़र आ रही है ये एक रेफरेंस पॉइंट है और ये दूसरी वो जगह जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, जितना इन दोनों का डिग्री सिग्नल का फ़र्क होगा वो रिसीवर पे मिलता है और इन दोनों के डिफरेंस से हम क्या ले लेते हैं इनका फ़र्क निकाल लेंगे और वहाँ से इजीली इस एंगल के ज़रिए से हमारे पास जो है ट्राइंगल के अंदर एंगल बनता है। तो ये ट्राइंगल बेसिकली बन रही है, इन ट्राइंगल्स को अगर आप गौर करें तो ये ट्राइंगल राइट एंगल बनती है, ये एक पहला एंगल है, अब जो एंगल बन रहा है वो दूसरा है बड़ा एंगल है। तो उस लिहाज से हमारे पास जो है वो डिफरेंस निकाला जा सकता है। सो सिमिलरली वी हैव एन अदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक एंड दैट इज द इंटरफेरेंस मेथड और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना भी होगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर और इन द सेम वे वी हैव लेजर इंटरफेरोमेट्री और ये न्यूटोनियन लैब्स के अंदर बनाया गया है, उसका सेटअप दिखा रहा है आपको। दिस इज़ द लेज़र सिस्टम एंड दिस इज द बीम, दिस इज द ये आपके पास बीम स्प्लिटर है, आप जानते हैं इसके अंदर हमें पाथ डिफरेंस देना होता है और ये नहायत ही एक्यूरेट मेजरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट करने के लिए भी ऐसे ही लेज़र इंटरफेरोमेट्री इस्तेमाल की गई है जिसको हम लिगो कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे हाईली सेंसिटिव और हाईली प्रिसाइज्ड मेजरमेंट्स करने के लिए हम ऐसे इंटरफेरोमीटर इस्तेमाल करते हैं जो कि हाई प्रिसीजन के हिसाब से किए जा सकते हैं। तो इन मेजरमेंट्स के हवाले से लेज़र बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैं, हाई प्रिसीजन वाली मेजरमेंट्स देते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इंशाल्लाह अपने जो लैब थी उसी के अंदर लेज़र के ऊपर बेस करते हुए दो मेजरमेंट्स के एक्सपेरिमेंट करते थे, हम उसी को दोबारा अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे।
और उसके मुताबिक ही हम आगे लेके चलेंगे। इस लेक्चर के अंदर वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ लेजर फिजिक्स सच एज द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड द टाइप्स ऑफ लेजर मोर ओवर द एप्लीकेशन ऑफ द लेजर इन मेजरमेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और मेरी कोशिश थी कि लेक्चर आसान से आसान किया जा सके। और किसी का कोई सवाल हो तो वो लाजमी पूछें। बाकी हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास डायफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन, मेजरमेंट बाय डायफ्रैक्शन एंड डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लेजर बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड इफ वी हैव एनी क्वेश्चन वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू फॉर द आंसर्स। And for this we have many interactive session. हम जल्दी स्टार्ट जूम मीटिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बात कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।